क्या आपको पता है ये 300 रुपए ईयरफोन में और JBL के ईयरफोन में जो कि बहुत महंगे आते हैं उनमें क्या फर्क होता है? क्या सिर्फ हार्डवेयर का फर्क होता है या फिर थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके इन ईयरफोन से भी बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ये जो सस्ते 200, 300, 400, 1000 इवन 1500 के ईयरफोन से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो, इवन JBL के हेडफोन से भी जो आउटपुट आता है उनको भी इनहेंस कर सकते हैं। वो सब कैसे आना मेरे साथ, तो एक लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, जो स्मार्टफोन होता है ना उसमें जो कैमरे के सेंसर होते हैं, तो सोनी का IMX586 बहुत सारे मैन्युफैक्चर यूज करते हैं, पर आउटपुट चेंज कैसे होता है? ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे ही हेडफोन्स और ईयरफोन्स में भी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा होता है, उनको आप थोड़ी सी उनकी सेटिंग ट्विक करके आप उनसे बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। पर कैसे? देखो, बहुत सारे ऐप्स में आपने देखा होगा वो फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला होता है, उनमें पड़े हो। व्हाट इफ आपको और एक्सेस चाहिए कंट्रोल का और अच्छे से मैनेज करना है, तो इसके लिए ऐप है, वो है फेवरेट ऐप, जो कि कंप्लीटली फ्री और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे उसके बाद ओपन करोगे तो वहां पे ऊपर साइड 3 डॉट क्लिक करके आप लेगेसी मोड लगा सकते हो, और फिर आपको क्या करना है, जस्ट अपने ईयरफोन्स को प्लग इन करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जैसे ऑटो EQ, इक्वलाइजर और भी कई सारी, और कुछ प्रीमियम पे पेड है। तो यहाँ पे हमें मेनली यूज़ करना है ऑटो इक्वलाइजर। ऑटो इक्वलाइजर पे टर्न ऑन टर्न ऑफ का बटन होगा, बट जब ऑटो इक्वलाइजर पे क्लिक करेंगे तो अंदर यहाँ पे हम अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स का नाम सेट करके उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली इक्वलाइज करेगा। यहाँ पे मोस्टली सारे पॉपुलर हेडफोन्स ईयरफोन्स अवेलेबल होंगे, आप चेक कर सकते, आप टाइप करके वो कर सकते हो, उस हिसाब से वो इक्वलाइजर मैनेज कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे इक्वलाइजर का ऑप्शन है जिसको ऑन करके आप अंदर जाके काफ़ी सारे प्रोफाइल्स एडजस्ट कर सकते हो, जैसे अपने ईयरफोन से बेस बढ़ा सकते हो, ट्रेबल बढ़ा सकते हो, या फिर अगर आपको बेस रिड्यूस करना है कर सकते हो, ट्रेबल रिड्यूस कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा क्लासिकल सुनते हो तो उस हिसाब से वोकल्स बढ़ा सकते हो, कई सारे पैटर्न्स हैं WUV उनको लगा सकते हो, और जो आपको बेस्ट सुटेबल साउंड करे आप वो कर सकते हो। इनको ट्राई करने के बाद आपको लगभग 50-60% जो आपका आउटपुट है जो आपके हेडफोन्स ईयरफोन्स में आता है वो आपको इनहेंस दिखेगा, और अगर विश्वास ना हो आप इनको ट्राई कर सकते हो। ये पेड फीचर्स भी इसमें कुछ ऑप्शन है देख सकते हो, बट जो मेन आपको जो है वो फ्री है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आपको लिमिटर और चैनल बैलेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, ताकि आप एक बैंड की फ्रीक्वेंसी तक सेट कर दो, या फिर कई बार लेफ्ट और राइट में आवाज़ अगर बैलेंस करना हो तो वो कर सकते हो, ताकि बेटर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती हो उससे, अजीब सा लगता हो, तो वो मैनेज कर सकते हो चैनल बैलेंस ऑन करके। तो काफ़ी कूल ऐप है ये, ठीक है, आप ज़रूर इसको ट्राई करो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपके ईयरफोन हेडफोन का आउटपुट आपको और बेटर देखने को मिला कि नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसे ऐप में, इजी सिंपल सा ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो, और डू सपोर्ट द डेवलपर ऐप का, क्योंकि ये ऐप फ्री है ऑलमोस्ट, और जस्ट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट द डेवलपर। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।